बहादुर लाल एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट थर्ड कोर्स एसएसएसी 311 मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको क्लोरीन तथा कोबाल्ट के पौधों में क्या कार्य है तथा इसकी कमी के लक्षणों में के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम क्लोरीन। पौधों के लिए क्लोरीन की अनिवार्यता सर्वप्रथम सन 1954 में सिद्ध हुई। पौधे क्लोरीन को क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधों में इसकी मात्रा 0.2 से 2% तक होती है। पौधों में कार्य फंक्शन इन प्लांट। क्लोरीन के पौधों में निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर वन, क्लोरीन पौधों में प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस की क्रिया में भाग लेती है। नंबर दो, कोशिकाओं के रसाकर्षण दाब में वृद्धि करती है तथा तन्यता बढ़ाती है। नंबर तीन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन के निष्कासन में सहायक होती है। चार, क्लोरीन एंथोसाइनिस का घटक है। पाँच, प्रोटीन उपापचय से संबंधित है। क्लोरीन के अधिक अवशोषण से नाइट्रेट सल्फेट का अवशोषण घट जाता है जिससे पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है। अभाव के लक्षण डिफिशियंसी सिम्टम इन प्लांट। पहला, पौधों का हरिमाहीनता होना व सूखना क्लोरीन की कमी का विशेष लक्षण है। नंबर दो, टमाटर में छोटी पत्तियों का सूखना, पात गोभी में पत्ते का मुड़ना, फूल गोभी में गंधहीनता उत्पन्न होना भी क्लोरीन की कमी के मुख्य लक्षण हैं। क्लोरीन की कमी से मक्का सूख जाती है तथा बरसीम की पत्ती कटने लगती है। चार, क्लोरीन की अधिक कमी होने पर फल नहीं बनते हैं। कोबाल्ट पौधों में कार्य फंक्शन इन प्लांट। नंबर वन, यह सहजीवी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। पौधों में इसका सांद्रण 0.02 से 0.5 ppm तक होता है जो सहजीवी जीवाणुओं के लिए पर्याप्त होता है। इसकी कमी होने पर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कम होता है। नंबर दो, कोबाल्ट विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का संरचनात्मक अवयव है अतः या इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तीन, यह इनोलेज आर्जिनेन लाइसिथिनेज ऑक्सलेस्टिक डीकार्बोक्सिलेज तथा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज का संक्रियण बढ़ाता है। कोबाल्ट राइजोबियम में हीमोग्लोबिन तथा रिबो न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण से संबंध पाया जाता है। पाँच, इसके द्वारा कपास सेम सरसों में वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है जिससे पादप का विकास अधिक होता है। वैनेडियम पौधों में कार्य मृदा में पौधों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए वैनेडियम को मॉलिब्डेनम का विकल्प माना गया है अतः राइजोबियम तथा अन्य स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की क्रिया हेतु आवश्यक है। इसके प्रयोग करने से एस्पेरेगस लिट्यूस धान मक्का जौ की अधिक वृद्धि होती है। इसकी पौधों में 20 ppm से कम मात्रा भी पर्याप्त होती है। सोडियम पौधों में कार्य यह पौधों द्वारा सोडियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। उच्च पौधों में सोडियम केवल मृदोपधित पौधों हाइड्रोफिलिक प्लांट को ही आवश्यक पाया गया है। यह पौधों की कोशिका की स्फीति टर्गर बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
कोशिकाओं में इसका सांद्रण 0.01 से 10% तक पाया जाता है। इसके द्वारा जल संरक्षण कर पौधे सूखा से रक्षा करते हैं। चुकंदर व C4 श्रेणी के पौधों में सोडियम का प्रभाव अधिक पाया जाता है। इसके अभाव से पत्तियां का रंग गहरा हरा हो जाता है व पतली व मैली हो जाती हैं। इसके अभाव के लक्षण पोटेशियम के अभाव से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, जिससे ऊतक क्षय हो जाता है। सिलिकॉन पौधों द्वारा इसका अवशोषण मोनोसैल्सिलिक एसिड तथा सोडियम +++ आयन के रूप में होता है। अनाजों और घासों में इसका सांद्रण 0.2 से 0.2% तक हो सकता है। यह द्विबीजपत्री में कम सिलिका पाया जाता है। पौधों में इसके कार्य निम्नलिखित हैं। सिलिका पादप कोशिका भित्त की संरचना में योग करता है, अतः प्रमुख रूप से एपिडर्मल तथा वास्कुलर ऊतकों को शक्ति प्रदान करता है। 2 कोशिका से जल हानि को रोकता है तथा कवकों के संक्रमण से रक्षा करता है। 3 गन्ने में इन्वर्टेज एंजाइम की सक्रियता कम करके शर्करा उत्पादन बढ़ाने में योगदान करता है। 4 MN++ और Iron++ के अधिक सांद्रण के कारण उत्पन्न विषैले प्रभाव को कम करता है। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ यह धान की उपज को बढ़ावा देता है।